my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After a really long time, I'm doing like a proper Amazon haul. I remember मैं पहले बहुत ज़्यादा regularly करती थी और बीच में बिल्कुल बंद हो गया. I think 3-4-5 पता नहीं कितने महीनों से मैंने ऐसे proper beauty haul video नहीं बनाई है because मैं इतना ज़्यादा regularly shop नहीं कर रही थी. आज भी मैं जो आपको products दिखाने वाली हूँ, it's not like मैंने सब कुछ अभी recently shop किया. मैंने कुछ कुछ एक या दो महीने पहले भी लिया हुआ है, तो मैं collective Amazon haul बना रही हूँ. And सबसे best time है ये सब कुछ आपको दिखाने का because Amazon की चल रही है द ब्यूटी सेल. अभी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. सिंस ये सारे प्रोडक्ट्स मैं पहले ले चुकी हूँ, तो मैं काफी सारी चीजें यूज भी कर चुकी हूँ, तो आज की वीडियो में आपको शॉर्ट रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद सेवरमेड प्रोडक्ट्स, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैंने अपना डर्मैट का जो होता है ना शुरू किया था. मैंने आपको बताया भी हुआ है, काफी सारी वीडियोज में मैं शेयर कर चुकी हूँ. मैंने अपना लेजर हेयर रिडक्शन शुरू कर दिया और स्किन केयर का भी उन्होंने काफी सारे मुझे जेल्स ट्यूब्स वगैरह लिख के दिए, तो उसमें उन्होंने मुझे 2-3 प्रोडक्ट सेवरमेड के भी रिकमेंड किए थे और वो मैंने अमेजोन से मंगा लिए थे बिकॉज Amazon पे डील प्राइस पे थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं. सो सबसे पहले मुझे मेरे डर्मैट ने रिकमेंड किया था ये सेवामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कुछ इस तरह से दिखता है. एंड ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था फॉर डैंड्रफ बिकॉज काफी बार जो होता है ना व्हाइट वाले जो जिट्स हो जाते हैं, फिर जो दाने होते हैं, फिर फोरहेड पे जो एक्ने होता है, वो मैक्सिमम केसेस में इसीलिए होता है कि आपको डैंड्रफ का इश्यूज बहुत ज्यादा है. और अब जो वेदर आने वाला है विंटर, इसमें तो और ज्यादा फ्लेकीनेस होगी. एंड ये सबसे बेस्ट शैम्पू है. मैं इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक से यूज कर रही हूँ. अब नवंबर भी खत्म होने वाला है, तो आपको 2 months का रिव्यू दे सकती हूँ. ऑलमोस्ट अब यहाँ तक आ चुका है. वेरी वेरी नाइस शैम्पू. मुझे पहले लगा ये सेवामेड का है, जेंटल होगा और डैंड्रफ का शैम्पू है तो ऐसे फोम नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छे से फोम हुआ है और वर्क्स वेरी वेल. मैं इसको एज अ फर्स्ट क्लेंजर यूज करती हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले यूज करती हूँ स्कैल्प को अच्छे से क्लेंज करने के लिए. उसके बाद जो मैं सेकंड वॉश करती हूँ, लाइक आजकल मैं नेचुरली के हेयर केयर यूज कर रही हूँ, कभी कोई अपना लॉरियल का, मेट्रिक्स का, कुछ भी यूज कर लेती हूँ, उन शैम्पूज को फिर ना मैं स्कैल्प पर कंसंट्रेट नहीं करती, उसको मैं हेयर लेंथ पर ही ज्यादा फोकस करती हूँ. इसको पर्टिकुलरली मैं स्कैल्प क्लेंजिंग के लिए यूज करती हूँ. रियली नाइस. सेकंड प्रोडक्ट जो रिकमेंड किया था मेरी डर्मैट ने, वो है ये सेवामेड का क्लियर फेस क्लियर जेल, कुछ इस तरह से दिखता है. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एक्ने प्रोन एंड इम्प्योर स्किन. सो एकदम ये ट्रांसपेरेंट जेल है. सो ये मुझे डायरेक्टली नहीं यूज करना होता, मुझे इसको मिक्स करना होता है अपने अडेप्लिन के साथ. वो तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, वो डर्मैट प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर रिकमेंडेड ट्यूब्स होती हैं, वो वही वाली ट्यूब है. मैं आजकल अडेप्लिन भी यूज कर रही हूँ, वो मुझे वीक में 3 बार यूज करनी होती है. सो मुझे 2:1 की रेशियो बनानी होती है. सो मुझे इसके 2 parts और उसका 1 part लेना होता है, फिर उसको मिक्स करके मैं फेस पर लगाती हूँ. एंड डेफिनेटली हेल्प, मुझे नहीं पता ये हेल्प कर रहा है फिर अडेप्लिन, आई थिंक अडेप्लिन ही ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा. ये तो एक तरह से एक मिक्सिंग एजेंट हो जाता है, बट येस ये भी काफ़ी अच्छा है. मैं पहले जब बहुत पहले मैंने एक बार अडेप्लिन खुद यूज़ करनी शुरू करी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी, यहाँ पे नोज फ्लेकीनेस हुई थी, स्किन ऐसे सूख गई थी. सो ये काफ़ी अच्छा तरीका डर्मैट ने बताया कि आप ऐसे जेल्स के साथ मिक्स करके लगाओ, बिकॉज ये वाले जो जेल होते हैं इसमें मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स है, विद हाइलुरॉन है, इसमें एलोवेरा भी है, इसमें एलेंटॉइन है, पैंथनॉल है, ये सब कुछ सूथ भी करता है स्किन को. तो जो अडेप्लिन या फिर आप जो भी एक्ने के ट्रीटमेंट्स और जेल्स यूज करते हो ना, उसको डायरेक्टली लगाने के बजाय आप मिक्स कर सकते हो. मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप कोई भी डर्मैट वाला जेल इसमें मिक्स कर लो, अपने डर्मैट से पहले पूछ लेना. मेरे डर्मैट ने जो मुझे मिक्सोलॉजी बताई है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ. नेक्स्ट वी हैव ऑयल्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शत प्रतिशत. अब मौसम ऐसा आ चुका है कि ऑयल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. मैं बॉडी पर ऑयल लगाती हूँ काफी बार, आईलिड मेरी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, नोज के साइड पर पीलिंग पीलिंग होती है, तो मैं बहुत थोड़ा ऑयल लेती हूँ. आलमंड ऑयल मुझे बहुत अच्छे सूट करता है, मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं करता. मैं फुल फेस पर नहीं लगाती, आपको क्लियर कर रही हूँ, बट बालों के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी पर तो स्पेसिफिकली मैं काफी यूज करती हूँ. सो इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े थे अमेजोन पर, तो मैंने ऑर्डर किया था. इसका नाम है शत प्रतिशत ब्रांड है ये, इसका है ये आलमंड ऑयल. ये ऑर्गेनिक है और ये कोल्ड प्रेस्ड है. मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ऑयल्स यूज करो ना, चाहे कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, ऑर्गेनिक होना चाहिए और कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है. एंड दिस वन इज 0% केमिकल एंड 100% नेचुरल. इसके पीछे अगर मैं पढ़ूंगी ना, तो इसमें लिखा भी हुआ है ये प्योर स्वीट आलमंड ऑयल से बनाया और इसमें विटामिन ई है. ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं आपकी लैशेस के लिए भी या फिर आपकी अंडर आइज के लिए भी. अगर आपकी अंडर आइज पे सर्दी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है ना, तो आप ये वाला आलमंड ऑयल अपनी अंडर आइज पे भी लगा सकते हो, बहुत थोड़ा आप लैशेस पर लगा सकते हो, बट अदरवाइज मैं हेयर ऑयलिंग इससे करती हूँ. आलमंड ऑयल सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है, थोड़ा सा भी लगाओ ना आपकी स्किन ऐसे झुक करके एब्जॉर्ब कर लेती है और ऐसे वो ग्रीसी ग्रीसी नहीं लगता. आजकल मैं क्लासेस में जा रही हूँ, आपको पता होगा मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन किया अभी, तो सुबह सुबह क्लासेस होती हैं. अब विंटर्स है ना, काफी बार ऐसे फ्लेकीनेस अजीब सी रहती है, तो मैं हल्का सा मतलब लाइक बहुत थोड़ा लेती हूँ और ऐसे मसाज कर लेती हूँ स्कैल्प पे, उससे वो फ्लेकीनेस भी चली जाती है और मेरे बाल ओवरऑल डीसी नहीं लगते. अदरवाइज मैं काफी अच्छे से इससे चंपी भी कर लेती हूँ. मैंने इसको अब 2 या 3 बार तो यूज कर ही लिया है, आई पर्सनली लाइक इट. मैंने इसको 1-2 बार बॉडी पर भी यूज किया, आज मैंने नहा के इसको अपनी लेग्स पर अप्लाई किया था, बिकॉज अब मैं जलते हुए पानी से नहाती हूँ ना, तो लेग्स एकदम ऐसे सूखी ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइजर इतना काम नहीं करते. सो आलमंड ऑयल इज डेफिनेटली अ मस्ट हैव फॉर विंटर्स. ये तो आई थिंक होना ही चाहिए, मल्टीपर्पज ऑयल है और ये ब्रांड का तो वैसे भी काफी अच्छा और प्योर है.
इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. मुझे वो खुशबू वाले ज़बरदस्ती का आलमंड ऑयल नहीं पसंद. इफ़ आई रीड द इंग्रेडिएंट्स, इट इज़ मेड विद हाई क्वालिटी स्वीट आलमंड विच इज़ पैक्ड विद फैटी एसिड, मिनरल फाइबर, एंटी ऑक्सीडेंट, फास्ट एब्जॉर्बिंग, नॉन स्टिकी, सेंटेड अनसेंटेड बॉडी ऑयल है दैट मेक्स आइडल फॉर नरिशिंग स्किन एंड हेयर नेचुरली. इसमें वाइटामिन ई है, वाइटामिन ए है, वाइटामिन बी है. यू कैन यूज इट ऑन योर नेल्स एज वेल. आप बॉडी पर यूज कर सकते हो, बालों पर यूज कर सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो आप सीजन ऑयल के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका ये वाले दो ऑयल्स भी मंगा लिए. अब तो खैर कोकोनट ऑयल जम गया है बिकॉज कोकोनट का सीजन अब जा चुका है. दिस इज शत प्रतिशत का कोकोनट ऑयल. ये तो अब सीजन जा चुका है तो इसका कुछ नहीं कर सकते. अब मैं ये समर्स में यूज करने वाली हूँ. एंड इनका एक कैस्टर ऑयल भी है जो डेफिनेटली मैं फ्यूचर में खोलने वाली हूँ. ये है कैस्टर ऑयल. अगर आपको नहीं पता, कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए और जो ड्राइनेस होती है. और मेरी तो मदर अपनी फेस पे भी लगाती है, सो मैं उनको देने वाली हूँ. उनका कैस्टर ऑयल खत्म हो गया था. एंड फॉर फेस आई वुड से ऐसे ही हमें ऑर्गेनिक केमिकल फ्री ऑयल्स ही यूज़ करने चाहिए. अगर आपकी थोड़ी सी एजिंग स्किन है ना, मेरी मदर लिटरली पूरे फेस पे लगाती है. शी हैज़ नो पोक लॉगिंग. मतलब पता नहीं यार, हमारे पेरेंट्स कुछ ब्लेस्ड होते हैं, उनकी स्किन पर कोई इश्यूज ही नहीं होते. और उनकी स्किन काफ़ी अच्छी शाइन करती है कैस्टर ऑयल से. मैं कैस्टर ऑयल कैसे यूज़ करती हूँ, मैं मिक्सिंग करती हूँ. मैं जैसे ये वाला ऑयल ले लिया, इसके साथ ये वाला मिक्स कर लिया, माइक्रोवेव कर लिया और फिर एक अच्छी मसाज दी अपने आपको. कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. ऑल्सो दीज ऑयल्स आर आर्टिफिशियल कलर फ्री, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, पैराफिन वैक्स, पैराबिन सल्फेट, सिलिकॉन, कोई भी टॉक्सिक केमिकल नहीं है. इसका प्राइस है 400 रुपीज़ फॉर 120 ml, लेकिन अमेजोन की सेल पर आपको एक काफ़ी अच्छे डील वर्दी प्राइस में मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हो. एंड ये जो ऑयल्स होते हैं ना, आई वुड से जो आपके लोकल मार्केट में या जो फेमस वाले ऑयल्स हैं उनसे ज़्यादा इन्हीं को प्रेफर किया करो, बिकॉज उनमें मिनरल ऑयल और जो पैराफिन वगैरह होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और वो हेल्दी नहीं होता. अगर आप स्पेसिफिकली फेस पर यूज़ करने वाले हो तो वो तो प्लीज़ मत यूज़ करना. सो ऑलवेज गो फॉर सच ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस ऑयल. ये भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, डेफिनेटली ट्राई इट. नेक्स्ट अप इज अ रीसेंट डिलीवरी, ये कल ही डिलीवर हुआ है. ये है फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन. सो मैं जो क्लासेस अटेंड कर रही हूँ ना मेकअप आर्टिस्ट वाली, उसमें अभी इनिशियल लेवल पे हमें यही सजेस्ट किया है कि अभी आप ये वाला फाउंडेशन ट्राई करो, ये अच्छा होता है. लाइक अगर आपको कोई लाइट फंक्शन के मेकअप करना है तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. आजकल क्लासेस में भी जो हम लुक्स क्रिएट कर रहे हैं ना, हम यही फाउंडेशन एक दूसरे पे ट्राई कर रहे हैं. लाइक मैं किसी और पे करती हूँ तो मैं यही वाला फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ. आई रियली लाइक द कवरेज. सो इसे मैंने शेड ऑर्डर किया है, ये FLF 007 संडे, कुछ इस तरह से शेड दिखता है. तो क्लासेस में सिखाया ना, उन्होंने बोला आपको तीन शेड्स लेने की जरूरत है किसी भी फाउंडेशन में. एक आपको हल्का सा येलो एंड टोन का लेना है, आपको एक पेल लेना है और एक आपको एक बिल्कुल डार्क फाउंडेशन लेना है. तो आप जब मिक्सिंग करोगे ना तो आपका कोई ना कोई डिजायरेबल शेड बन ही जाएगा. आपको अननेसेसरी बहुत सारे शेड लेने की जरूरत नहीं है. सो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स के फाउंडेशन रखे ही हैं, तो मैंने एक ब्रांड के ऐसे तीन शेड नहीं लिए. ये येलो अंडरटोन का मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन है, लेकिन इसका जो टोन है वो हल्का सा वार्म येलो अंडरटोन है. तो मेरे पास बहुत सारे ना एक लाइटर फाउंडेशन पड़े हैं जो काम नहीं आते, तो मैं मिक्सिंग करके यूज करने वाली हूँ. फॉरएवर 52 इज लाइक मेकअप आर्टिस्ट फेवरेट ब्रांड. काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट इससे ही लुक क्रिएट करते हैं. सो दिस इज हाउ संडे लुक्स लाइक. FLF 007, एंड लेट मी जस्ट स्वॉच इट फॉर यू गाइस. एकदम न्यू ब्रांड फाउंडेशन है एंड इट इज़ काइंड ऑफ क्लोज. मतलब मैं काफ़ी क्लोज बोल सकती हूँ मेरी स्किन टोन से. अभी तो हल्का हल्का वैसा लग रहा होगा, जब मैं मिक्सिंग करूँगी ना तो ये काफ़ी अच्छे से चला भी जाएगा स्किन में. एंड आई रियली लाइक द कवरेज. लाइक हम क्लास में यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी कवरेज देता है. अगर आप ये फिट मी या फिर कोई भी मेबलिन एंड ऑल के यूज़ करके थक गए हो, आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, आई वुड से ट्राई दिस वन. 850 समथिंग का आता है और आपको अमेजोन पर और सस्ते मिल जाएगा और कवरेज इसकी बहुत अच्छी है. नेक्स्ट मैंने रिसेंटली परचेज किया है कंसीलर. यह है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फुल कवरेज कंसील एंड कॉन्टोर. इसका जो शेड था ना, मतलब ये पर्टिकुलर शेड बहुत अच्छी डील पे अमेजोन पे मिल रहा था. बाकी सारे जो शेड थे थोड़े से एक्सपेंसिव थे, ये वाला स्टील डील पे मुझे मिला है. मैं सबके प्राइजेस यहाँ पर मेंशन कर ही दूंगी. सो इसका शेड है C7 और मैंने ऑर्डर कर दिया. लाइक लाइट होगा, डार्क होगा, चल जाएगा. लाइट होता तो हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह यूज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क होता है तो बेस के अंडर जो डार्क मार्क्स डार्क स्पॉट्स होते हैं ना उसको कंसील करने के लिए यूज हो जाता है, तो हो ही जाता है. और मुझे ये वाला काफी टाइम से ट्राई करना था मेकअप रेवोल्यूशन का. सो आई ऑर्डर्ड दिस एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. आई थिंक थोड़ा सा अभी लाइट लाइट लग रहा है, पेल पेल, बट आई थिंक ये हाईलाइटिंग कंसीलर के सेंस में काफ़ी अच्छा चलेगा, बिकॉज इसका जो टोन है ना वो एकदम अंडर आइज को हाईलाइट कराने के लिए परफेक्ट है. यही मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी फ्यूचर में, तब आपको बताऊंगी. नेक्स्ट मैंने अक्टूबर मंथ में ऑर्डर किया था ये प्लम का 3-in-1 कलर अफेयर स्ट्रेंथनर बेस एंड टॉप कोट. सो यूजली जो ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं ना वो या तो बेस कोट होते हैं फिर टॉप कोट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देता है आपके नेल्स को. प्लम ने इसमें कुछ अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स डाले हैं. लाइक
इसमें AHA है, एवोकाडो ऑयल है, और अभी सितंबर मंथ में जब मैंने एक्सटेंशन कराया, जेल नेल्स कराए, काफ़ी सॉलिड बेड़ा गर्क हुआ था। सो आजकल मैं अपने नेल्स की बहुत ही केयर कर रही हूँ। मैं कोई नेल पेंट भी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं पहले बेस कोट यूज़ कर लेती हूँ, सो दैट उस नेल पेंट से मेरे नेल्स ज़्यादा रुइन ना हो। मैं थोड़ा सा वापस अपने नेल्स को रिवाइव बैक कर रही हूँ, एंड शायद फ्यूचर में एक्सटेंशन करा लूँ, बिकॉज मन तो बड़ा कर रहा है यार, बड़े सुंदर लगते हैं एक्सटेंशन। बट मैं अभी थोड़ा सा नेल्स को अभी और ठीक करूँगी, फिर देखती हूँ जेल या फिर एक्सटेंशन कराऊंगी। बट मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। आप इसका कलर भी देख सकते हो, थोड़ा सा ना ओपेक सा हो गया, बिकॉज नेल पेंट जब कोई और कलर की लगाओ उसके ऊपर जब लगाओ तो ब्रश टिप ऐसे हो जाता है। बट दिस इज़ वेरी नाइस, ये काफ़ी अच्छे से नेल पेंट को शाइन भी देता है, बेस कोट के लिए भी अच्छा है। अगर आप कोई लोकल नेल पेंट्स यूज़ करते हो ना, आई वुड से वो सब तो रखो, लेकिन एक ये प्लम का ले लो, सो दैट आप जब इसको बेस पर लगाओगे ना, आपकी वो लोकल वाली जो नेल पेंट होती है उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके एक्चुअल नेल बेड को टच ना करे। सो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जैसे हम मेकअप करते हैं ना, अच्छे से प्राइमर लगाते हैं ताकि फाउंडेशन अंदर ना जाए स्किन पे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, आप अच्छी क्वालिटी का लोगे ना बेस कोट, तो उसके बाद आप कोई भी कलर लगाते रहो, उस कलर की वजह से आपके नेल्स नहीं खराब होंगे। काफ़ी बार हम कुछ ऐसे लाउड कलर्स लगा लेते हैं, हमारे नेल का भी कलर अजीब सा हो जाता है, पेल पेल लगते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस परचेज, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आई हैव अनदर शेड, ये मैंने नहीं खरीदा है, मुझे प्लम से रिसेंटली PR में आया था, तो मैं दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और अभी प्लम पर ना बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं अमेजोन पर, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये प्लम का सेम कलर अफेयर का ही रेंज का नेल पेंट है, इन द शेड शैम्पेन फिज, एंड ओ माय गॉड, एकदम शैम्पेनी सेक्सी कॉकटेल कलर है ये, इतना सुंदर लगता है ना। मैं इसको फ्यूचर में जब लगाऊंगी ना, मैं आपको पूरा इंस्टाग्राम स्टोरी पे स्वॉचेस डालूंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर, बिकॉज स्टोरीज के थ्रू आपको बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलते हैं। मैं जब भी न्यू नेल पेंट ट्राई करती हूँ, फिर नेल पेंट चेंज भी करती हूँ, मैं ऐसे स्वॉच वगैरह डाल ही देती हूँ इंस्टाग्राम पर। जब वी हैव TNW का टिंटेड लिप बाम फॉर नेचुरल फॉर शाइन एंड नेचुरल टिंट, ये लिप बाम मेरे थर्ड परचेज है आई गेस। एक मेरा ऑलरेडी बैग में पड़ा है, एक मेरा ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ है, और एक और मैंने ऑर्डर किया अपने एक और दूसरे स्लिंग बैग के लिए, बिकॉज अब क्लासेस जाती हूँ तो बैग पैक लेती हूँ, वैसे कहीं घूमने जाती हूँ तो स्लिंग बैग लेती हूँ, और ऐसे सामान ना शिफ्ट विफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई पर्सनली लव दिस लिप बाम, ये TNW का है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार आपको मंथली फेवरेट्स में भी शायद दिखाया हुआ है। इसका जो टिंट आता है ना वो बहुत प्यारा आता है, और आजकल जो मेरा ट्रेटनॉन की मेडिकेशन चल रही है ना, मेरे लिप्स अजीब से ड्राई हो गए हैं, ऐसे डल हो गए हैं, थोड़े थोड़े डार्क फील होते हैं ड्राइनेस की वजह से, तो ये काफ़ी अच्छा एक कलर देता है, और ये एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जो पिंक कलर है ना वो बहुत टाइम तक लगा रहता है, अच्छे से कलर इंटैक्ट भी रहता है। ये जो मैंने इस बार मंगवाया है ये है पॉमोग्रेनेट एंड शिया बटन के, बहुत सारे वैरायटी आती है। इट हैज़ नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, दिस इज मेड इन इंडिया, इट हैज़ सॉफ्ट नरिशिंग फॉर्मूला, हाइड्रेट योर लिप्स, एंड दिस इज नो पेट्रोलियम जेली एज वेल, एंड दिस इज मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स, नॉन इरिटेंट। सो अगर आपको भी थोड़ा बहुत लिप्स लिक करने की आदत है ना, तो ऐसे इंग्रीडियंट्स पढ़ के ही लिप बाम्स लिया करो, सो दैट वो सेफ फॉर्मुलेशन क्यों, कहीं ना कहीं चीज़ अंदर जाती है तो रिस्क नहीं करनी चाहिए। सो आई रियली लाइक इट, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। अमेजोन की सेल पर आपको TNW के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे ऑफर पर मिलते हैं, तो आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव दिस नकली रियल टेक्निक्स का सेट। नकली इसलिए बिकॉज मुझे पता है मैंने सेलर का नेम नीचे पढ़ लिया था, और ये भी जो जिस तरह से डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी ना, वो ऑथेंटिक तो लग नहीं रहा था, और जिस प्राइस पॉइंट में मिला है डेफिनेटली ऑथेंटिक नहीं है, बिकॉज रियल टेक्निक्स एक्चुअल वाला बहुत महंगा आता है। बट ट्रस्ट में इसकी जो क्वालिटी है ना, वो एक्चुअल में फील होता है कि मैं अच्छी ब्रांड का कुछ होल्ड कर रही हूँ। सो अगर आपको भी अपने पैसे बचाने हैं और आपको अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस चाहिए ना, आप ये वाला सेट ले सकते हो। ये सेट मैंने क्यों लिया, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे मेकअप ब्रशेस के सेट है, लेकिन उनके अंदर ना कुछ कुछ ब्रशेस मिसिंग होते हैं, और ये जो सेट है ना, इसमें एक्चुअल में वही ब्रशेज हैं जो आपके यूजुअल वाले मेकअप ब्रश सेट में मिसिंग होते हैं। मैज ऑल दीज ब्रशेज, सबसे पहले है ये सबसे फ्लूफी और बड़े वाला ब्रश, जो काफ़ी अच्छा है अगर आपको लाइक अंडर आई से डस्ट ऑफ करना हो। काफ़ी बार पाउडर हम लगाते हैं ना, आजकल जब आई शैडो भी करते हैं ना अपनी क्लासेस में, तो मैम ने बोला है कि आप अंडर आईज पे बेकिंग किया करो, सो दैट कुछ गिरे तो आप उसको ऐसे डस्ट ऑफ कर सको, तो ये ब्रश काफ़ी काम आता है, रियली बिग फॉर दैट। सो दिस इज हाउ द शेप लुक्स लाइक, और आपको ऐसा ब्रश ना बहुत कम देखने को मिलता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इस वृत्त का हो, जो कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड करे, लेकिन वो आई शैडो ब्रश ना लगे। सो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है उस केस के लिए, लाइक अंडर आई करेक्शन वगैरह करनी हो, एंड दिस इज रियली ग्रेट फॉर सेटिंग योर अंडर आईज, या फिर जो नुक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं, बिकॉज की शेप काफ़ी अच्छी है। आप देख रहे हो ये कुछ ऐसे जा रहा है, साइड से कुछ ऐसे और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। सो आप इसे पाउडरिंग कर सकते हो, आप ऐसे से लेके थोड़ा अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा बोन हाईलाइट करनी हो, ये हाईलाइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आप फैन ब्रश यूज़ करते हो ना, उससे एक लाइन जैसी आ जाती है, वाइल ऐसे वाले ब्रशेज यूज़ करोगे ना तो इससे हाईलाइटिंग बहुत अच्छी होती है। देन नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्रश, जो अगेन ब्लशेज लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे इसकी शेप ब्लश के लिए बहुत अच्छी लगी। मेरा जो फेस है ना वो काफ़ी छोटा है, तो मैं जो बड़े वाले ब्लश ब्रश होते हैं ना, वो एकदम ऐसे पैची पैची कर देते हैं, बहुत बड़ा लगता है। सो मुझे इसकी शेप काफ़ी अच्छी लगी, ये भी कुछ इस तरह से ओवल जैसी इसकी एक शेप है, एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई योर ब्लश लाइक दिस।
दिस, या फिर आप कुछ भी अंडर आइज पे या फिर कुछ भी कॉन्टोरिंग भी करनी हो, कॉन्टोरिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा बिकॉज के कॉन्टोर ब्रश जैसे एक शेप है. सो रियली नाइस आई थिंक. प्लस आपको एक स्पंज मिल रहा है विच इज़ वेरी नाइस एंड स्क्विशी. सो ये सेट काफ़ी अच्छा है अगर आप बिगिनर भी हो ना, आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई मेकअप ब्रश सेट है जिसमें ये वाले ब्रशेज मिसिंग है, आप ये ले सकते हो. अमेजोन की डील पर ये बहुत सस्ते मिलता है एंड द क्वालिटी ऑफ द ब्रशेज इज गुड. मतलब इनको पकड़ के ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ चीप या फिर बिल्कुल लोकल पकड़ा हुआ है. इनके ब्रिसल्स भी काफी अच्छे फील होते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट अप वी हैव दीज मिनीसो कॉटन पैड्स. ये पैक ऑफ टू में ही आता है अमेजोन से. आप एक पैक नहीं ले सकते, आपको लेना होगा तो आपको दो ही लेने पड़ेंगे. तो मैंने दोनों ही ऑर्डर कर दिया बिकॉज मुझे चाहिए ही होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये अपने पूरे प्रॉपर बॉक्स में आते हैं. सो काफी बार जो पैकेट होता है ना कॉटन का, इधर उधर गिर जाता है, मिलता नहीं है, फिर ढूंढना पड़ता है. और एक काफी एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है. प्लस आई कैन रीयूज एज वेल. ऐसा नहीं है प्लास्टिक है तो मैं इसके बाद फेंक दूंगी. जब ये खाली होगा मैं इसको रीयूज करने वाली हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो यहाँ पे आपको ऐसा लॉक सिस्टम मिलता है. दिस इज हाउ इट ओपन्स. और इसमें आपको दो तरह के कॉटन पैड्स मिल रहे हैं. सबसे पहले आपको ये वाली लाइन के मिलते हैं. ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ बहुत पहले अपने कॉलेज. मतलब जब मिनीसो शुरू हुआ था ना, मैं ये लेके आई थी मिनीसो के स्टोर से. सो एक कॉटन पैड आपको मिलता है ये वाला, विच इज लाइक डबल साइड, थोड़ा सा थिक होता है. तो इससे आप माइसलर वाटर वगैरह लगा के कुछ भी रिमूव कर सकते हो. और फिर इसके साथ आपको यहाँ जो लाइन है ना पूरी, ये सिंगल पतले पतले कॉटन पैड है. और ये चाहिए होते हैं काफी बार. लाइक मुझे नेल पेंट रिमूव करना है, मेरे को अननेसेसरी इतना बड़ा कॉटन पैड नहीं चाहिए. सो वॉट आई डू, आई प्रेफर दीज कॉटन पैड जो एकदम पतले पतले होते हैं. इनसे नेल पेंट भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. काफी बार आई मेकअप मेसी हो जाए, कुछ भी मेसी हो, मुझे इतना बड़ा कॉटन पैड नहीं चाहिए. सो उसके लिए मैं ये पतले वाले यूज करती हूँ. नेक्स्ट आई रिसेंटली ऑर्डर्ड दीज बॉम्बे शेविंग कंपनी के फेस रेजर. मेरे जितने फेस रेजर थे ना वो सब मैंने यूज कर लिए. और काफी बार जब आप पुराना रेजर बार बार यूज करते रहते हो ना, फिर पता चल जाता है स्किन पे अजीब से बम्स हो जाते हैं, रेजर इतना क्लोज अचीव नहीं होता. सो मैंने रिसेंटली ये वाला ऑर्डर किया बिकॉज मैं कार्मसी की यूज कर चुकी हूँ, लेट शेव का यूज कर चुकी हूँ, एक दो और ब्रांड्स है जिनके मैं यूज कर चुकी हूँ. सो मुझे मन था ये वाला ट्राई करने का. ये अमेजोन के रिव्यूज में टॉप पर आते हैं. सो ये पैक ऑफ थ्री था. एक मैंने दे दिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड नाइट स्टे पे आई थी, उसको यूज करना था. सो एक मैंने उसको दिया था, उसने उसी टाइम यूज भी किया एंड शी लाइक इट. उसने खुद बोला कि बहुत अच्छी क्लोज शेव इससे अचीव हो रही है. सो इसकी बॉडी काफी अच्छी है. लाइक यू कैन सी प्रॉपर लिड के साथ आता है. दे हैव दिस ग्रिप ओवर हेयर जिसे काफी अच्छी पकड़ने में ग्रिप मिलती है. एंड दिस इज द रेजर बाय द वे. ये काफी लाइक इसका भी जिगजैग वाले पैटर्न है जो बहुत अच्छे से या काफी क्लोज शेव ये दे रहा है. आई कैन फाइनली रिमूव माई हेयर इस एरिया के. मैं इस एरिया के हेयर ज़रा रिमूव कर लेती हूँ. मैंने यहाँ पर तो लेज़र कराई थी, लेकिन जब मैं लेज़र कराने गई थी ना, मेरे यहाँ पे मेहंदी थी. सो मुझे पता नहीं था कि मेहंदी पर लेज़र नहीं होता. सो उन्होंने मेहंदी वाले पोर्शन पर लेज़र नहीं किया. और अब जो मुझे ग्रोथ आती है ना, पूरी मुझे इस पोर्शन में ग्रोथ आती है. और इससे पहले मुझे ग्रोथ ही नहीं है बिल्कुल भी. सी कोई ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है. सो या एक बार ज़रा टेस्ट करके देखते हैं. मैंने अपने ऊपर नहीं यूज़ किया, बट या इट्स गिविंग रियली नाइस. काफ़ी क्लोज शेव अचीव हो रही है. नाइस. सो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ वैसे कॉटन पैड जो निकाला था. सी इसलिए काम आते हैं वाले कॉटन पैड. काफ़ी बार जब कुछ क्लीनिंग करनी होती है ना, टिश्यू नहीं मिलता. सो दिस पैड्स कम इन हैंडी एंड दिस इज क्लीन. लिड भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग है. सो ट्रैवलिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट रहता है. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट. वैसे और भी थे लेकिन मैं इतना ज़्यादा वीडियो को भरना नहीं चाहती. सो मैं लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही आपको दिखा रही हूँ. फ्यूचर में कोई और हॉल बना लेंगे तब दिखाऊंगी. बट ये मैंने ऑर्डर किया था रिसेंटली MyGlam का ग्लॉसी लिक्विड आई लाइनर. अगर आप मुझे फॉलो करते होगे आपको पता होगा मुझे इसका ब्लू लाइनर बहुत पसंद आया था. वो मैंने MyGlam की वेबसाइट से लिया था. मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन में वीडियो बनाई थी, तो तब मैंने सेलेक्ट किए थे प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग द वीडियो. सो तब मैंने वो वाला ब्लू वाला यूज़ किया था. आई लव्ड इट. लाइक कलर पिगमेंट मुझे उसका बहुत अच्छा लगा. सो मुझे जब ये अमेजोन पे दिखा, मैंने इसका पिंक कलर ऑर्डर कर दिया. अगेन अमेजोन पर भी डील पर अमेजिंग प्राइस में मिल रहा था. सो अगर आप MyGlam की ऐप से नहीं लेना चाहते, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं. और अभी मैंने यही लगाया हुआ है. देखो जब लाइट कलर होता है ना तो पिगमेंटेशन एकदम नहीं आती, आपको थोड़ा सा दो या तीन स्वाइप में करनी होती है. तो ब्लू कलर कंपैरिजन में ये पिंक की पिगमेंटेशन मुझे काफ़ी लो लगी, बट एक दो स्ट्रोक के बाद काफ़ी अच्छा लगा. कुछ कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं ना विंटर्स में एकदम बोरिंग वाइब देते हैं, तो ऐसे पिंक कलर का एकदम झटाक लाइनर लगा लो तो एकदम लुक आपकी अपलिफ्ट हो जाती है. अभी वैसे मैंने रेड के साथ लगा लिया जो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बट या मुझे इसको एक बार टेस्ट करके दिखाना था कैमरा पर. सो आई यूज इट. मैंने हल्का सा विंग भी बनाया था, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स नाइस. इनके लाइनर मुझे सबसे अच्छे इसलिए लगे, ज़्यादा हटते नहीं है. लाइक ऐसे कर हल्का सा टच भी होगा ना तो ऐसे स्मज नहीं होगा, ऊपर नहीं शिफ्ट होता पसीने में भी. प्लस जब रिमूव भी करो ना बहुत जल्दी अच्छे से रिमूव हो जाता है. दैट इज इट फॉर माई अमेजोन हॉल. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लस आपको मेरा एक अमेजोन स्टोर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स वन टैप क्लिक पर सब कुछ ही दिख जाएगा. सो आपको अननेसेसरी ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है. प्लस अमेजोन के जो प्राइस है ना वैसे अप डाउन होते रहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करोगे आपको प्राइसेस भी अपडेटेड दिख जाएंगे. एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.